हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है आरपीएससी की एपीओ वैकेंसी, जिसका इंतज़ार सभी को हो रहा था, हम सभी को हो रहा था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा था कि जो एपीओ एग्ज़ाम है उसके क्या सिलेबस में चेंजेस होंगे, और तो दूसरा एक क्वेश्चन था कि ओल्ड लॉ जो है वो पढ़ने हैं या तो फिर नए लॉज पढ़ने हैं। इससे पहले मैंने जो है ओल्ड और न्यू लॉज पर एक वीडियो बनाया था, जहां पर कि मैंने स्पेसिफिक बताया था कि अगर आपकी जो वैकेंसी है उसका अनाउंसमेंट अगर मार्च मंथ में होता है तब आपके जो लॉज है वो ओल्ड ही पढ़ने हैं, क्योंकि अभी जो कमेंसमेंट है जो लागू होंगे वो 1 जुलाई से होंगे, और इससे पहले जो अगर आचार संहिता लगती है उस वक्त जो है नई वैकेंसीज का अनाउंसमेंट नहीं होता है, तो वहां पर अगर मार्च में आता है तो ओल्ड लॉज ही पढ़ने हैं। तो अभी गुड न्यूज़ है ये कि ओल्ड लॉज के साथ ही हमारी एग्जामिनेशंस हो रही है, क्योंकि नए लॉज पढ़ने में नॉर्मल सी बात है काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं आया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जैसे मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो भी है जो अभी कंपटीशन में आए हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने जुडिशरी की तैयारी करी है, लेकिन खाली एक्सपीरियंस की वजह से अगर वो एपीओ एग्ज़ाम जो कि बहुत टाइम के बाद इस तरह की जो वैकेंसीज होती है वो अनाउंस होती है वो नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत आती ही है। कॉम्पिटिशन होना अच्छी बात होता है, हेल्दी बात होती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आरपीएससी एपीओ जो वैकेंसी है 2024 की, उसका जो है कुल कितनी पोस्ट आई है, इसकी एज लिमिट क्या रहेगी यहाँ इस एग्ज़ाम फॉर्म में डालने की, साथ ही जो ये सिलेबस कौन से रहेंगे, एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन इशू किया है आज, और एपीओ एग्जामिनेशंस का, और कुल इसमें कितनी पोस्ट है तो 181 पोस्ट इसमें आई है। चलिए शुरुआत करते हैं शैक्षणिक योग्यता के साथ में कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह क्या मांगी गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दो पॉइंट यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक पॉइंट है जहाँ पे बताया है कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है आपके पास में जो है एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी जो है वो उन्होंने बताया कि देवनागरी जो लिपि है उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए, साथ ही राजस्थानी जो डायलेक्ट जो प्रदेश की एक विशेष प्रकार की एक बोली होती है, राजस्थान में राजस्थानी जो बोली होती है उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और राजस्थान के कस्टम्स और ये सब रहते हैं इसका ज्ञान जो है आपके पास होना चाहिए। इस तरह से जो शैक्षणिक योग्यता है इसके अंतर्गत दो पॉइंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी कितनी रहेगी। तो सैलरी इसकी काफ़ी अच्छी रहेगी, L11 मैट्रिक लेवल की इसकी जो है इसकी सैलरी रहेगी, और पे ग्रेड 4200 की इसकी सैलरी यहाँ पे बताई गई है। बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा में मिनिमम 21 साल बताया गया है, और जो मैक्सिमम ईयर है वह बताया गया कि आपकी आयु ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष की होनी चाहिए। इसके साथ ही जो राजस्थान राज्य में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है यहाँ के कैंडिडेट्स को और बाहर की जो महिला कैंडिडेट्स होती है, एज के मामले में वह रिलीफ भी दिया गया है, साथ ही आरक्षण के अनुसार जिन जिनको भी रिलीफ मिलता है वह भी मिला हुआ है। तो इस तरह से पूरे नोटिफिकेशन को आप अपन अगर केयरफुली रीड करते हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत भी यहाँ पे एज लिमिट को बताया गया है। वैसे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 21 साल मिनिमम रहेगी और 40 ईयर जो है मैक्सिमम आपकी एज होगी। ओके, अब बात करते हैं इसके एग्जाम की स्कीम कैसी रहेगी। तो एग्जाम जो प्रतियोगी परीक्षा रहेगी, और इसमें इस बार दो स्टेजेस में ये एग्जाम रहेगा, प्रिलिमिनरी रहेगा और साथ ही मेंस एग्जामिनेशंस रहेंगे। तो कुल दो चरण में एपीओ एग्जामिनेशंस की जो एग्जाम है आरपीएससी के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। साथ ही अगर इसी में ऐड करते हुए बात करते हैं तो आरपीएससी के जो भी नए रूल्स है, पांच वहाँ पे ओएमआर सीट में 5 क्वेश्चन आएंगे, सारे ही क्वेश्चन को अटेंड करना है, ब्लू पेन का यूज करना है, फिफ्थ जो ऑप्शन है और जो कि रूल है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है आरपीएससी ने, वह भी माना जाएगा। तो जितना भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग भी है एग्जामिनेशन जो स्कीम है यहाँ पर यह बताई गई है। इसके आवेदन आप कब से कर सकते हैं। तो इस एग्जाम के आवेदन जो है आप 14 मार्च से इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, और 12 अप्रैल को रात 12 बजे तक आप जो है इस एग्जाम के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप आवेदन इसका करते हैं तो वहाँ पे आपको उस आवेदन का जो पॉइंट है वहाँ पे काफ़ी सारी
नॉलेज या इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वहां पे आपको इसको केयरफुली रीड करना है। OTR यहाँ पे लागू है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वह लागू है। और इसमें क्या रहेगा कि आपका नाम है, आपके पिता का नाम है और आपकी जो जन्म तिथि है, यह जो तीनों चीजें हैं आपको केयरफुली आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, क्योंकि इसमें संशोधन नहीं होता है। बाकी आपके जो फॉर्म होते हैं, अगर वहां पे कोई गलती होती है उसमें संशोधन होता है। मिनिमम कुछ फी रखी जाती है 500 तक की, उस वह जमा करवानी होती है। आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट पे जो है यहाँ पे ये अमेंडमेंट हो सकता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो आपका नाम, पिता का नाम और आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर वह गलत होती है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह निरस्त भी हो सकता है। तो यहाँ पर यह चीज विशेष रूप से ध्यान रख के ही आपको जो है आवेदन फिल करने हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं कि जो इसका प्री एग्जामिनेशन होगा, तो वहां पे जब 100% कौन कौन से चीजें आ रही है, तो वहां पे आपको 70% जो है आपके सब्जेक्ट, लॉ के जो सब्जेक्ट है उनके बारे में पूछा जाएगा, और 30% जो है वहां पे लैंग्वेज रहेगी। और मेन एग्जामिनेशन जो रहेगा वह रिटर्न में रहेगा। वहां पर जो है फर्स्ट पेपर रहेगा वहां पे लॉ का होगा और वह 300 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। सेकेंड पेपर जो रहेगा वह लैंग्वेज का रहेगा, 50-50 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश का वहां पे रहेगा, 2 घंटे का ये जो है एग्जामिनेशन रहेगा। टोटली ये जो एग्जामिनेशन स्कीम है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड ही है, उनसे सिमिलर ही है। तो इस तरह से APO एग्जामिनेशन में इस बार यह चीज नहीं है। और जो अभी इसको देखते हुए लग रहा है कि अभी पूरा राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का सिमिलर ही एक तरह से ये एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, आगे इसके बारे में। लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वह 12th सीनियर सेकेंडरी का जो स्टैंडर्ड है वह रहेगा। यहाँ पर ये चीज मेंशन करी है, साथ ही एक चीज और मेंशन करी है कि आपको 40% मार्क्स जो है ईच पेपर में क्वालिफाई करने हैं। और अगर आप SC/ST कैटेगरी में आ रहे हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वहां पर आपको 35% जो है क्वालिफिकेशन आपका होना, क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने होंगे आपको 35% के साथ में। तो यहां पर यह चीज भी इंट्रोड्यूस करी गई है। APO का जो सिलेबस है ये पहले भी आ चुका था, और ओल्ड लॉज थे तो एक क्वेश्चन आ रहा था कि ओल्ड ही पढ़ने हैं या तो नए पढ़ने हैं। तो APO एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वह उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है, और अच्छी बात है कि पुराने लॉज के साथ ही पढ़ना है, क्योंकि अभी नए जो लॉज है वह इंट्रोड्यूस 1 जुलाई से होंगे। तो वहां पर नॉर्मली हमारे पास ऑप्शन था कि हम जो है पुराने लॉज के साथ ही पढ़े, तो एक अच्छी बात भी है, गुड न्यूज भी है। जिन किसी ने भी अभी तक कोचिंग ली है, जिनके पास खुद के नोट्स हैं, और अगर हमने जो है मॉक प्रैक्टिस करी है, क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चन बैंक मंगवा के अपनी तैयारी करी है, तो वो सारी चीजें जो है ओल्ड लॉज में ही हुई है। तो अभी कहीं और से ज्यादा सामग्री इकट्ठी करने की जरूरत रहेगी नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि APO एग्जामिनेशन जो है मार्च में इसकी वैकेंसी आ चुकी है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया, और साथ ही सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है और लॉज में भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये थी APO एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे शेयर करी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर आपको लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, अपडेट्स मिलती रहती है, कोई भी नई वैकेंसी जो आती है मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, और इसके अलावा जजमेंट्स भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।